सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? कैसे चल रही है पढ़ाई? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? अब कॉलेज चालू ओके? 3 महीने तो हो ही गए. यस, व्हेन डिड योर कॉलेज स्टार्ट? सितंबर अक्टूबर. तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने तो हो गए. योर फर्स्ट इंटरनल एग्जाम मस्ट ऑल्सो बीन डन. कैसे थे इंटरनल एग्जाम? तो कुछ बच्चे परेशान होंगे अपने सीनियर्स से, कुछ परेशान होंगे टीचर्स से, और कुछ परेशान होंगे पढ़ाई को लेके. यस, तो अभी आपको समझ में आया होगा क्या पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना एग्जैक्टली बुक से. या अभी भी कंफ्यूजन है क्या पढ़ना है, कितना लिखना है, समझ में नहीं आ रहा है. बुक्स में तो ढेर सारा देखे रखा है. देयर इज प्लेंटी ऑफ थिंग्स व्हिच आर गिवन इन द बुक्स. तो व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू राइट, एंड टाइम इज इनसफिशिएंट. एनाटॉमी पेपर्स आर वेरी लॉन्ग. सो बच्चों, लेट अस डिस्कस समथिंग. What books to read in your first year MBBS? कौन से books effective होंगे? Which books will be easy for you to understand? बच्चों, वैसे आपको पता ही है, first year में we have got 3 main subjects: anatomy, physiology, biochemistry. अब anatomy forms the major chunk of the first year. Maximum weightages for anatomy. Number of lectures are too large. फिर आता है physiology and finally biochemistry. बच्चों, we have got community medicine also, which is a third year subject, but वो फर्स्ट ईयर से चालू करते हैं. उसमें आपको फैमिली एडॉप्शन देते हैं. वन फैमिली इज गिवन टू यू एंड यू एडॉप्ट दैट फैमिली एंड वो फैमिली का केयर करते हैं आप 3 साल तक. एज पर सीबीएमई गाइडलाइंस, एटकॉम इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड. तो एटकॉम के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं इन द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पेपर्स, राइट? So that is also like cadaver, how to behave with the cadaver, respect to the cadaver. So let us begin students with anatomy, my subject. Okay, so anatomy, gross anatomy, that's a major part of anatomy, right? Gross anatomy, upper limb, lower limb, thorax, abdomen, head and neck, and neuroanatomy. Like 2 types ki books hote hai bachcho. Ek hota hai reference books and dusra hota hai standard books, which you read from exam point of view. Reference book aap padhoge detail wise, length wise, and a bahut time hai to wo padhoge aap. You have to understand that टॉपिक, यू रीड द रेफरेंस बुक्स. बट अभी अपने पास इतना टाइम भी तो नहीं है बच्चों. हार्डली कुछ टाइम है, एग्जाम्स आ जाएंगे, तो ज्यादा टाइम भी नहीं है अपने पास. सो रेफरेंस बुक्स यू कैन रीड, बट यू नो दिस इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस. ये ऐसे नहीं कि एनाटॉमी फर्स्ट ईयर तक ही लिमिटेड है. इट इज सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड आगे चल के भी यू विल रिक्वायर ऑल दिस सब्जेक्ट्स. सो रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हो, बट वैसे भी आपको कॉलेज में द टीचर्स आर टीचिंग, योर सीनियर्स मस्ट बी टीचिंग यू, है ना? सीनियर्स सब अंडरलाइन करके देते होंगे, ये पढ़ो बच्चों, ये पढ़ो, ये पढ़ो. एंड वी आर देयर, द पीडब्ल्यू मेडेड टीम इज ऑलवेज देयर फॉर यू. ये पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं बच्चों. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको हाउ टू राइट इन द एग्जाम्स, लाइक एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स पढ़ना. तो द स्टैंडर्ड बुक व्हिच इज रेफर्ड टू बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, बीडी चौरसिया फॉर ग्रॉस एनाटॉमी. यस, अभी 4 वॉल्यूम्स है. विश्राम सिंह सर की टेक्स्ट बुक है, दैट ऑल्सो यू कैन रेफर. ओके, 1, 2, 3, 4 दिया है. सो वंस यू आर क्लियर, एक बार वो कंसेप्ट क्लियर है, सो रेफरिंग दिस बुक्स बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. बराबर है बच्चों? राइट. सो रेफरेंस बुक्स अगर आपको जानना है तो ग्रेज एनाटॉमी है, द फादर एडिशन ऑफ ग्रे. स्नेल्स एनाटॉमी है, लास्ट एनाटॉमी है, है ना? अब अपने पास डिसेक्टर्स भी है. वी हैव गॉट थीमिस डिसेक्टर. सो डिसेक्शन करते समय आप ये पढ़ के जाइए. वी हैव गॉट एटलासेस बच्चों, वी हैव गॉट एटलास ऑफ एनाटॉमी, नेटस एटलास, ब्यूटिफुल एटलास, थीमिस एटलास. बट वो एटलास समझने के लिए आपको कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है. सपोज इफ यू नो अ थिंग, लाइक यू नो, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू मस्कुलोकुटेनियस नर्व, यहाँ पे मस्कुलोकुटेनियस नर्व है, एंड देन वेन यू आर डिसेक्टिंग यू विल सी एक्चुअल सी दिस. तो आप नेटस या थीमिस एटलास भी रिफर कर सकते हो, सो दैट यू गेट अ ग्रिप ऑफ द सब्जेक्ट, राइट? दिस इज एज फार एज ग्रॉस एनाटॉमी इज कंसर्न्ड. द सेकेंड मेजर पार्ट इज एम्ब्रियोलॉजी. वैसे एम्ब्रियोलॉजी कम्स एज अ शॉर्ट नोट इन द पेपर, बट बच्चों अगर एम्ब्रियो आपको समझ में आता है, यू विल अंडरस्टैंड द ग्रॉस वेरी वेल. आप कोरिलेट कर सकते हो द एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ वेरियस डिसीजेस. ये इंटर एट्रियल सेप्टम है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होता है, ये एम्ब्रियोलॉजिकली बेस्ड होते हैं. सो द रेफरेंस बुक फॉर एम्ब्रियोलॉजी इज लैंगमैन्स टेक्स्ट बुक. इट्स अ वेरी गुड बुक. बाकी इंडियन ऑथर्स की बुक आप पढ़ सकते हो. इंदरबीर सिंह सर की टेक्स्ट बुक है एम्ब्रियोलॉजी की, राइट? इंदरबीर सिंह, यू कैन रीड दैट, यू कैन गो थ्रू दैट. दूसरा है हिस्टोलॉजी. बच्चों अगर हिस्टोलॉजी क्लियर होता है, इफ यू नो हिस्टोलॉजी वेल, अगर नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम क्लियर होते हैं ऑफ द टिश्यूज ऑफ द सेल्स इन द बॉडी, सो सेकेंड ईयर में आप जब जाते हो तो पैथोलॉजी बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज पैथोलॉजी इज ऑल एबनॉर्मल. अगर आपको नॉर्मल आता है तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एबनॉर्मल, करेक्ट? सो दैट इज पैथोलॉजी. सो हिस्टोलॉजी की बुक है आई बी सिंग्स,
बुक ऑफ हिस्टोलॉजी, यू कैन रिफर टू दैट, एक वीटर्स एटलास आता है हिस्टोलॉजी का, ओके ये सब स्लाइड्स आप रिफर कर सकते हो. एक दूसरा टॉपिक है जेनेटिक्स, इट्स अ शॉर्ट टॉपिक. फॉर जेनेटिक्स यू कैन रिफर टू डॉक्टर गांगनेसर्स टेक्स्ट बुक, दैट इज फॉर जेनेटिक्स. ओके सो दीज आर द फोर मेन पार्ट्स ऑफ एनाटॉमी, ओके ग्रॉस एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड जेनेटिक्स. Right now, coming to physiology, bachcho, physiology, like there are many books in physiology also. You've got Guyton, you've got Ganong, you've got Sebilungam, you've got AK Jain. वैसे अगर आप Ganong की बात करते हो, that's a review book, right? It would be important from next point of view also. वैसे majority of topics you can read from AK Jain's book. Okay, that's a very good book. Guyton की book है. Guyton is like a guide. You can refer to Guyton too. Coming to biochemistry, there are many books for biochemistry. Like you've got Harper, you've got Lippen. God's textbook, you've got Vasudevan, Satyanarayan textbook of biochemistry. Now, Lippincott से आप metabolism पढ़िए बच्चों, lipid, protein है ना, carbohydrate metabolism, ये सब आप Lippincott से पढ़िए. Most of the topics you can refer to from Harper's book. वैसे immunology भी एक topic होता है, but immunology is not so well covered in biochemistry. You can refer to micro books for immunology. You can refer to USMLE books, right bachcho? So I hope this video is useful for you. Read the standard books, revise this, revise with your friends. जितना आप revise करोगे उतना it will be easy. अगर कुछ doubts है, you can drop in the box below. Thank you.